रुड़की झबरेड़ा में बसपा विधायक रहे हरिदास को बसपा के सम्मेलन में उस समय बड़ा झटका लगा जब बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भागलमल को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा मंच पर ही कर दी। हरिदास उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री रहे हैं और बसपा का टिकट पाने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। इस दौरान रुड़की में कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा। दरअसल कांग्रेस नेता फखरे आलम अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बसपा में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने हरीश रावत पर मुसलमानों की उपेक्षा करने के कई बड़े आरोप लगाए। बसपा के सम्मेलन में पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मोदी सरकार और कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश में काला धन बताकर भोली भाली जनता के साथ धोखा किया है। बसपा महासचिव ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा एक के बाद एक घोटाले किए हैं। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही तब तक नेता घोटाले करते रहे और अपने घर भरते रहे। जो पूरी तरीके से जेल की भाजपा की सरकार फेल हुई है, नाकाम हुई है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए समय समय पर यह अभियान चलाते रहे। क्या अभियान चलाया? कभी घर वापसी, आपका दिमाग उधर न जाए। जो इन्होंने वादे किए हैं वो पूरे कर नहीं सकते, न किए हैं तो दिमाग बांटने के लिए क्या अभियान चलाया? घर वापसी, फिर घर वापसी के बाद लव जिहाद और लव जिहाद के बाद फिर भी शासन काल में 5-7 बार हुए। क्या कहने नहीं, हमें मुस्लिम लीग में कर रहे हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री 1000 बार फोटो नोट तुमने बंद किए, पूरे हिंदुस्तान को लाइन में सुनने लगा दिया, रोक करके इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो रोक करके? इसलिए मुझे कहना है श्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी तरफ से केस करा है, वो अपने गुनाहों को छुपा लेता है। नरेंद्र मोदी जी इस तरह वो अपने गुनाहों को छुपा लेता है। देश जब गुस्से में होता है वो रो लेता है, इस तरह वो अपने गुनाहों को छुपा लेता है। देश जब गुस्से में होता है वो रो लेता है। क्या नौकरी है, क्या करने वाली हो रही है? ये रोक करके दिखाना क्या चाह रहे हैं? आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार दूर करें, एक एक रुपया जोड़ करके बैंक में पैसा रखा, जिन मजदूर ने मजदूरी करके एक एक रुपया जोड़ करके बैंक में पैसा रखा, जिन व्यापारियों ने अपना बैंक में पैसा रखा, जिन गरीबों ने अपना बैंक में पैसा रखा, वो आज अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे। देवभूमि न्यूज के लिए रुड़की से दिलशाद खान।